जी के हालचाल, अगर दिल्ली के खाने की बात हो और जुबान पे छोले कुलचे का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए आज आपको दिखाया जाए दिल्ली के एक अनोखे छोले कुलचे जो कि मिलते हैं पुरानी दिल्ली में। जी हाँ, तो आज हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर वाले छोले कुलचे पे। जी आपने सही सुना, ये फर्स्ट फ्लोर पर बैठकर छोले कुलचे बेचते हैं। तो ये इस चीज से इतने फेमस हो गए हैं कि यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। तो हम आज आ गए हैं चावड़ी बाजार और हमने एग्जिट करा है गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन से और यहाँ पर अंकल जी के पास पहुँच गए हैं जो कि फेमस है अपने फर्स्ट फ्लोर वाले छोले कुलचे के नाम से। जी हाँ, और आपके सामने देख सकते हो पहले अंकल जी ने मटर तैयार करे। हाँ, हम कहते सब छोले कुलचे पर वो होते मटर कुलचे हैं। उसके बाद अब यहाँ पर ना मटर कुलचे सर्व करने का तरीका भी बहुत अलग है। पहले छोलों को ना फ्राई कराया जाता है प्याज टमाटर हरी मिर्ची वगैरह इन सब के साथ। आप देख सकते हो बटर में पूरे ये छोले फ्राई होते हैं। आपकी मर्जी, अगर आपको फ्राई वाले चाहिए तो आप फ्राई वाले ले लो, नहीं चाहिए तो आप नॉर्मल भी ले सकते हो। तो पहले ये सब कुछ डाला जाता है, बटर प्याज टमाटर मिर्ची वगैरह, फिर उसके ऊपर छोले डाले जाते हैं और उसे फिर फ्राई करा जाता है मस्त पूरे गर्म करके। उसके बाद भी इसके ऊपर मसाला वगैरह जाता है जो आपको हम आगे वीडियो में दिखाएंगे, फिर कुलचे के साथ दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगती है और एक इसलिए भी लगती है क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर वाले छोले कुलचे के नाम से है, क्योंकि आपने देखा ना अंकल जी ऊपर बैठे हुए थे, पूरे फर्स्ट फ्लोर के रेडी के ऊपर बैठते हैं, तो इसलिए भी थोड़े फेमस है वो यहाँ पर। छोले तैयार होने के बाद फिर अंकल जी को ये छोले दिए जाते हैं, उसके ऊपर वो मसाले डालते हैं जो भी उनके सारे खुद के बनाए हुए हैं, उसके ऊपर धनिया छिड़क कर और ये दही और क्रीम का मिक्सचर डालकर साथ में इसके ऊपर वो डालते हैं नींबू और फिर ये एक पत्ता तैयार हो जाता है छोले का। उसके बाद अब मैं आपको दिखा रहा हूँ पनीर वाले मटर कुलचे। तो इसमें बस सिर्फ पनीर डाल दिया जाता है पूरा मैश करके, बाकी प्रोसेस पूरा सेम है। इसके बाद इसे भी पूरा फ्राई कर लिया जाएगा और इसे भी फिर अंकल को दिया जाएगा जैसे अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ, और वो इसके ऊपर मसाला डाल के सर्व करते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका लगा मुझे छोले खाने का, मस्त फ्राई होकर छोले गर्मा गर्म ना और स्वादिष्ट हो जाते हैं और उसमें प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ फ्राई होकर डले तो स्वाद और बढ़ जाता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कौन कौन छोले कुलचे लवर है और अपने दोस्तों को भी टैग कर दो। और एक और सवाल कि आपको छोले भटूरे ज्यादा पसंद है या छोले कुलचे, ठीक है? जल्दी से ये सारे सवालों का जवाब कमेंट सेक्शन में डाल दो। बाकी आपको भूख तो लग चुकी है मुझे पता है, तो जल्दी से ये वीडियो शेयर भी कर दो। अब इसके बाद हम आपको दिखा देते हैं कुलचे। तो कुलचे नॉर्मल है जो आपको मिलते हैं हर कुलचे वाले पे, 3 पीस कुलचे दिए जाते हैं पूरे बटर में सेक के, उसके ऊपर से फिर ये धनिया वगैरह डाल देंगे आपके सामने और मस्त आपकी छोले कुलचे की प्लेट तैयार हो जाती है उसके बाद। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताओ कि आप कितने कुलचे खा लोगे एक बारी में। बाकी आपको पता ही है पुरानी दिल्ली के खाने का स्वाद तो जेन्युइन ही होता है एकदम। और यहाँ पर एक और चीज मिलती है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ में, अगर आपको पीने के लिए कुछ चाहिए तो इनके पास रायता भी होता है। जी हाँ, कुलचे तो मिले जाते हैं आपको सलाद वगैरह के साथ, पूरा छोले के पत्ते के साथ मिर्ची के साथ, साथ में यहाँ रायता भी होता है तो वो भी आप ले सकते हो। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद आई तो अपने फैमिली दोस्तों को भेजो और उन्हें भूख लगवाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन प्यार बरसाते रहो और फॉलो कर लो।